हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम माउथ मेल्टिंग नान कटाई की रेसिपी। यहाँ मैं अवन और बिना अवन दोनों में बनाना बताऊंगी एंड उसका फर्क भी बताऊंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है एंड सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, वो भी बिना बेकिंग सोडा के और बिना बेकिंग पाउडर के। आप इसे किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं या कभी भी मीठा खाने का मन किया तो भी बना सकते हैं, एज इनको बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। ऐसे ही अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में रूम टेम्परेचर का घी ले लें। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं और घी रूम टेम्परेचर पे ही एकदम मेल्टेड है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में घी ले लें, जरूरत लगेगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। घी हमारा इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। यहाँ अगर आपने पिघला हुआ घी यूज किया तो जब आपकी नान खटाई बनके रेडी होगी तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे। खाने में सही बनती है लेकिन देखने में ऐसी लगेगी। क्रैक्स होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालें। मैंने यहाँ छान के डाली है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। अब 2 मिनट तक हाथ से या विस्क से इसको थोड़ा क्रीमी कर दें। देखिए हमारा घी पहले थोड़ा येलोइश कलर का था, अब वो पेल येलो कलर का हो गया है। अब इसमें मैदा और बेसन को छान के डाल लें। इसमें थोड़ी पिसी हुई इलायची और थोड़ा सा नमक डालें। नमक परफेक्ट बैलेंस देता है किसी भी स्वीट डिश को। अब बस हाथ से धीरे धीरे करके सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर ले एंड वो अपने आप ही डो बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इसे नीड करने की जरूरत है। यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो सब इंग्रेडिएंट्स का रेशियो बहुत ही सिंपल है। जितना घी उतनी ही चीनी, उतना ही बेसन एंड डबल मैदा, है ना सिंपल। अब ऐसे आपका ये डो रेडी हो गया। यहाँ ये बेक करने के लिए मैंने पार्चमेंट पेपर यूज किया है, इसको बेकिंग पेपर भी कहते हैं। इससे हमारी नान खटाई हमारी ट्रे पे स्टिक नहीं होगी, मैंने ये इसलिए यूज किया है। इसको ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी नान खटाई में ऑलरेडी बहुत घी है। अब जब आपका ये डो बन गया, बस अब इसे ऐसे ही छोटे छोटे पेड़े बना ले। साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें करीब 25 से 30 नान खटाई बन जाएंगी ठीक ठाक साइज की। छोटी बनाएंगे तो ज्यादा भी बन जाएंगी। इन्हें थोड़ा दूर दूर रख के बेक करें क्योंकि वो बनने के बाद फूल जाती हैं। अब इनमें एक नाइफ की हेल्प से ऐसे एक्स शेप का स्लिट लगा दें। बहुत गहरे मत बनाइए वरना ये बिल्कुल 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब इनमें इस तरीके से हल्की हल्की इलायची लगा दे, फिर चॉप्ड पिस्ता या मगज के बीज, ये दोनों में से कुछ भी लगा दे। अब इसे अवन में रखें मिडिल रैक पे 170 डिग्री सेल्सियस पे 17 से 18 मिनट के लिए। देखिए किस तरह से नान खटाई फूल गई है। अब ये थोड़ी सी मैं गैस पे बनाऊ। गैस पे बनाने के लिए एक बर्तन रखें। यहाँ ध्यान रखें इडली स्टैंड में कभी भी नान खटाई ना बनाएं क्योंकि नीचे और ऊपर की हीट में फर्क होता है, इवनली हीट नहीं लगती है। सो इसी तरीके से किसी बेकिंग ट्रे में या किसी स्टील की प्लेट में बेक कर सकते हैं। यहाँ गैस लो मीडियम फ्लेम होना चाहिए एंड इसको बनने के लिए अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स नाउ सी, गैस पे बनने से इनका लुक थोड़ा अलग होता है। इन पे इतने क्रैक्स नहीं होते जितने अवन में बेक करने से आते हैं, लेकिन ये खाने में एकदम सेम लगती है, बस लुक थोड़ा डिफरेंट होता है। सो लीजिए, आपकी नान खटाई रेडी है। गैस या अवन जो भी है उसे यूज करके बनाएं एंड सबको खिलाएं।